शक के चक्कर में उजड़ा परिवार, पति बोला बच्चों का कराओ डीएनए, पत्नी बोली तलाक चाहिए। कहता है बच्चों का डीएनए करवा, मुझे बाजारू कहता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शराबी पति पत्नी के साथ मारपीट तो करता ही है, साथ ही उस पर चरित्र शंका करता है। इतना ही नहीं, खुद के बच्चे भी उसे किसी और के लगते हैं। कहता है ये बच्चे मेरे नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट करवा। शुक्रवार को पीड़िता थाने पहुंची और अपनी आबीती सुनाते हुए पति पर कार्यवाही की मांग की। महिला पति से तलाक चाहती है। रातौर गांव की रहने वाली एक महिला थाने पहुंची थी। महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसकी शादी रातौर ग्राम के रहने वाले युवक से 2018 में हुई थी। पिता ने 8 लाख रुपए कैश, 5 लाख के जेवर दिए थे, इसके साथ ही अन्य सामान भी दिया। शादी के समय पति दिल्ली में जॉब करते थे तो मुझे साथ ले गए, सब कुछ ठीक रहा। बाद में पति उसे ग्वालियर लेकर आया, यहाँ पर उसके जेवर सहित अन्य सामान गिरवी रखवा दिया और यहाँ से अपने गांव रातौर ले आया। शादी के समय परिवार ने मेरे पिता से दिल्ली रखने की बात कही थी, लेकिन अब गांव में रख रहे हैं। जी मेरा पति मुझे पीकर मारते हैं। जी क्यों, क्या पूरा मामला है, क्या है? जी ये है कि सन 2018 में मेरी शादी हुई थी, कुछ महीने तक मुझे ठीक रखा गया, उसके बाद ग्वालियर में लेकर आई, मुझे दिल्ली में रहते थे पहले, हम ग्वालियर में लेकर आए। ग्वालियर में मेरे जेवर जो था मेरे माँ बाप ने दिया था तो उनको उनने गिरवी रख दिया और वो डूब गया। उसके बाद ये मुझे शिवपुरी लेकर आ गए, शिवपुरी में इनका घर है रातौर। इन्होंने मुझसे बात की थी कि हम आपको दिल्ली रखेंगे, ये कहकर इन्होंने मेरे पापा से बात की और शादी करवाई। उसके बाद ये मुझे रातौर में गांव में रख रहे हैं, और गांव में भी रख रहे हैं तो उसमें मुझे कुछ भी ढंग की फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास खाने पीने के लिए ढंग से नहीं है, इनके यहाँ फ्रिज में सब्जियाँ नहीं होती, घर में दालें नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो क्या इसी वजह से आप? जी मारपीट करते हैं मेरे साथ। अभी 4 तारीख को मैं इस कोतवाली में आई थी, तब रफा दफा कर दिया था मेरा केस। अच्छा, हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? जी मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ। जी डिवोर्स चाहती हैं। किसी तरह की डिमांड वगैरह तो नहीं कर रहे हैं? जी पैसे की डिमांड की थी मुझसे, अभी ये छोटा वाला बेबी हुआ था तब मुझसे डिमांड किया था कि मुझे 8 लाख रुपए चाहिए। कितने समय की बात है ये? सर अभी बेबी हुआ था, 6 महीने समथिंग हुआ है। अच्छा अच्छा, अभी आप कुछ देर पहले एक चीज बता रही थी कि वो बेबी को लेकर भी कुछ संदेह। जी किस तरह का संदेह करते हैं? सर ये कहते हैं कि डीएनए करवाओ बच्चों का, दोनों का। पहले बच्चे हुआ था ये किसी और का है। अच्छा। पहले बच्चे का कहा था कि डीएनए करवाओ इसका, ये मेरा नहीं है। और दूसरा तो ये क्या कर रहा है, तू अपने मायके से लेकर आई है। अच्छा, मुझे बाजारू कहते हैं, सीधी बात ये। तो अब आप एफआईआर चाहती हैं? जी एफआईआर चाहती हूँ।